जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम स्टूडेंट्स के साथ, जो कि चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। अब यहाँ पर जो आपकी इंडियन नेवी के, जैसे आपके यहाँ पर मेडिकल हुए हैं, तो उसके बाद में जो क्या प्रोसेस है, जिन कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिला है तो उन कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस बार जो नया नया प्रोसेस है और हर बार जो बदलाव होते रहते हैं, तो इसके अंदर जो आपका MRO होता है, यानी जो आपका फॉर्म फिलअप करना होता है, चालान करना होता है 40 रुपीज का, इंडियन नेवी की बात कर रही हैं, इंडियन एयरफोर्स में भी 45 का होता है, और जो ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, और कुछ सेंटर पर होता है कुछ सेंटर पर नहीं होता है, अलग अलग तरीके का प्रोसेस है। लेकिन इस बार सभी जगह है और कैंडिडेट्स इसको लेकर समस्या में है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले इसको, कुछ बैंक वाले कर भी देते हैं और कुछ बैंक वाले नहीं करते। तो आपको करना क्या है, यदि आपको ये रीमेडिकल मिला है तभी ये आपके लिए जो है वीडियो होने वाला है, तभी ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही होगी। और कैसे क्या करना है, आप घर बैठे इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं पर भी नहीं होने वाली है। इस वीडियो को एंड पॉइंट तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया जाएगा, कोई भी गलती मत करना, आपका बिल्कुल सही तरीके से सब प्रोसेस, यानी MRO का जो फॉर्म फिलअप है वो ऑनलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन करना चाहे तो ऑफलाइन हो जाएगा, दोनों प्रोसेस आपको बताई जाएंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, इस वीडियो पे आए हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे जो रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे लगातार। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, डिफेंस चैंपियन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिला है तो उन कैंडिडेट्स के सामने एक ही प्रॉब्लम होता है, जो आपका MRO का फॉर्म है फिलअप करना है। तो उसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप SBI बैंक में जाएंगे, यदि वहां नहीं है तो आप RBI भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भी बड़ी शाखा है आपके आसपास में मिल जाती है, बड़ी सिटी में, और छोटी सिटी में नहीं मिलता है, तो आप SBI में जा सकते हैं। यदि SBI वाले नहीं करते हैं तो आप RBI में जरूर जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाइए, क्योंकि वहां पर ऐसे RBI में एंट्री नहीं होती है, तो आपका पूरी जो जांच पड़ताल है उसके बाद में ही आगे का प्रोसेस होता है। SBI बैंक में आप जो आपके लेवल पर, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट या जो भी आपका जिस तरीके से बड़े लेवल पर बैंक है आपका, उसमें आप जाइए, मैनेजर से मिलिए और उनसे डिस्कशन कीजिए कि ये प्रोसेस है, यदि नहीं होता है तो उनको बोलिए कि उन्होंने बोला है और ये ऑर्डर है उनका, तो उसके हिसाब से यदि नहीं होता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के और बिना किसी परेशानी के। तो वो पहले आप प्रोसेस जान लीजिए, आपका MRO क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर है, जो कि आपको इसको फिलअप करना होता है। तो ये जो आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाता है और नहीं मिलता है तो आप प्रिंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ये आपको इंडियन नेवी की ओर से ही दिया जाता है और इसको आपको फिलअप करना होता है, नॉर्मली इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपको जो है रुपीज लिखना है, उसके बाद में आपको इनमें वर्ड के अंदर यानी लिखना है, उसके बाद में कहाँ से क्या क्या प्रोसेस है, बाई कैश, चेक नंबर वगैरह सब डिटेल्स है, बैंक वाले ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और PCDA नेवी होता है या फिर CDA नेवी, जो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PCDA ही आपको करना है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने ये जो जानकारी है आपकी सारी की सारी जो कंफर्म कर ली और यहाँ से ऑफिस से, तो उसके बाद में जो उसके बाद में बताना चाहूंगा, यूनिट और ऑफिस इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी डिटेल वगैरह आपको फिलअप नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं RBI बैंक के द्वारा, ये बैंक की सील है और बैंक को यहाँ पर करना होता है, 40 रुपीज का चालान होगा, डेट वगैरह सब वो ऑटोमेटिकली फिलअप कर देते हैं, और ये आपका 2 नंबर जो फॉर्म हो जाता है। तो ये हर चीजें हैं आपके सामने, प्रोसेस होती है, नॉर्मली फिलअप करना होता है, इसमें ज्यादा योगदान कुछ भी नहीं है और ये बैंक वाले ऑटोमेटिकली फिलअप कर देते हैं, ये काम कर रहा है बैंक के अंदर तो वो फिलअप नहीं करता है, और जिसको पहले से पता है, प्रोसेस से गुजरा है, तो वो कर भी देता है, और अलग अलग स्वभाव होता है सबका, ठीक है, बैंक के अंदर। लेकिन आप यहां पर लिखा हुआ है RBI बैंक, यानी ठीक है, आप समझ गए होंगे भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, या फिर आप SBI बैंक में जा सकते हैं, इसके अलावा किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। यदि हो जाता है ऑफलाइन तो आप करवा लीजिए, जिस तरीके से ये बैंक का सील लगा हुआ है ऑफलाइन में कैंडिडेट्स ने करवाया है, तो इसमें इस तरीके का डिटेल्स है और ये आपका फिलअप कर दिया गया है, यहाँ पर प्रोसेस है। तो ये आपको वैसे कुछ करना नहीं होता है, PCDA आपका है नेवी का, रीमेडिकल के दौरान MRO की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का प्रोसेस होता है नॉर्मली। अब बात कर लेते हैं, ऑनलाइन करना सबसे बेस्ट है और घर बैठे कर सकते हैं, कोई गलती नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते रहना है।
को ऑनलाइन करने में सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले आपके पास जो डिवाइस है या आप पीसी से लैपटॉप से किसी से कर सकते हैं, आपको गूगल में टाइप करना है SBI कलेक्ट। उसके बाद में यदि ये नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसी पेज पे है आ जाएंगे। SBI कलेक्ट आपको टाइप करने के बाद में गूगल में आपको आना है और नीचे जैसे आप आते हैं तो आपके सामने ऑप्शन होगा। ये जो अभी चल रहा है ये आपका डेस्कटॉप विंडो है तो आपके सामने आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपके सामने ओपन होगा। तो यहां पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नया विंडो आपके सामने ओपन होगा और इस तरीके का जो प्रोसेस है आपके सामने आ जाएगा। सिलेक्ट पे है और उसके बाद में इंटर पेमेंट डिटेल्स है, वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स है, कंप्लीट पेमेंट है, प्रिंट रिसिप्ट है। तो ये इस तरीके का स्टेज रहेगा आपका कंटिन्यू इस तरीके से, और इसमें आपको कोई भी बैक नहीं करना है। आप सारी जो जानकारी है एक बार कलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में फिलअप करने के बाद में आपको रिसिप्ट है वो आपका सेव कर लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना और आप जहां पर रिमेडिकल के लिए जा रहे हैं तो वहां पर ये दिखा देना, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहां से आप सर्च कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर आप यहां पर फिल्टर वाले पे ऑप्शन कर देंगे। फिल्टर वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो ऑल इंडिया का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले नंबर वन पर, तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग फिलअप नहीं करना है, ऑल इंडिया पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऑल इंडिया पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके के नीचे पेज ओपन होंगे जो कि बहुत सारे पेज हैं, आगे भी कंटिन्यू पेज है, 49 पेज है यहां पर, ठीक है, और 604 जो टोटल एंट्री है। तो आपको करना है तीन नंबर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तीन नंबर पेज पर आप जैसे ही पहुंचते हैं तो यहां पर आ रहा है ई मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर EMRO, जो कि अपन को चाहिए, MRO की हम बात कर रहे हैं। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो फिर से आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर इस बार जो है संपूर्ण डिटेल्स आपके सामने होंगी, पेमेंट्स डिटेल्स आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसेस सबसे पहले सिलेक्ट एंड कैटेगरी, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन होगा जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको PCDA, ठीक है। आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए CDA न्यू दिल्ली है और इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आपका जो भी सेंटर है आप CDA कर सकते हैं, लेकिन आपको PCDA ही करना है, ठीक है, PCDA नेवी का करना है, जो कि आपका जो भी सेंटर है वहाँ से आप करेंगे। यदि आपका सेंटर मुंबई का, मुंबई से कर दीजिएगा, और आपका स्टेट है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो सबसे पहले मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर सब कुछ जो प्रोसेस वैसे दे रखा है। तो पहले जो PCDA में जाते हैं और उसके बाद में देखिए आपको यूनिट पे क्लिक नहीं करना है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। कोलकाता का है, आप देख सकते हैं सब कुछ प्रोसेस इसके अंदर है वैसे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है तो हर चीजें आपको यहां पर मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं पर भी नहीं आएगी। इसके अंदर आप अच्छे से देख लीजिएगा CDA न्यू दिल्ली और इंडिविजुअल है, तो मैं इस पर आपका क्लिक करने वाला हूं। तो आपका जो भी है मुंबई सेंटर है मुंबई से कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको समझना जरूरी है। तो मैं यहां पर न्यू दिल्ली वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद में आपको जो है यहां पर आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपको इंफॉर्मेशन है इनपुट करनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो ऑफिस या आपको EMR जो रिलेटेड क्या प्रोसेस आपका उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो प्रोसेस है इसके अंदर आप वही रखने देंगे, PCDA न्यू दिल्ली रखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका जो प्रॉब्लम क्या है, यानी कौन से आप फोर्स से जा रहे हैं, एयरफोर्स से हैं, आर्मी से हैं या कुछ और है, तो यहाँ पर कैंटीन वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, DRD हो, हर एक जो डिपार्टमेंट इसके अंदर आपको मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है भाई यहाँ पर नेवी वाले पे, क्योंकि आपका नेवी का रिमेडिकल है तो नेवी से आप करेंगे, और यदि एयरफोर्स का होता तो एयरफोर्स से भी कर सकते थे। यहाँ पर नेवी वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो है आपको नीचे आना है और उसके बाद में देखें यहाँ पर सर्विंग ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपना जो क्या प्राइवेट पर्सन या अदर्स कर सकते हैं, ऑफिसर्स नहीं करेंगे, आप यहाँ पर्सनल भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा प्राइवेट पर्सन है और अदर है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए डिटेल्स इनपुट करनी होगी, पर्सनल नंबर है वो इनपुट कर दीजिए, नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है वो डिटेल सही से फिलअप करनी है, और भी कोई गलती नहीं करनी है। इसका मीन ये नहीं है कि स्टार मार्क नहीं है वहाँ गलती कर देंगे, तो आपको सही से इनपुट जो इनपुट करना है सारी डिटेल्स। पर्सनल जो नंबर है उसके अंदर आप अपना जो है
रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करेंगे, ओके, क्योंकि आपका वैसे कोई नंबर तो बना नहीं है अभी तक, तो क्योंकि आप इंडियन नेवी में शामिल हुए नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो भी कोई बैच नंबर या जो भी आपका आईडी नंबर होता है वो आपके पास होगा नहीं, तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहा है आपके रीमेडिकल वाली स्लिप में मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, आपका जो प्रिंट है फॉर्म अप्लाई किया था उसमें मिल जाएगा, उसके बाद में पैन नंबर यदि है तो यस टाइप कर दीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्योंकि कोई स्टार मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपका खुद का यहां पर इनपुट करना है, 10 अंकों का जो डिजिट है वो टाइप कर दीजिएगा। पोस्टल एड्रेस में कोई गलती नहीं करनी है। पोस्टल एड्रेस क्या है, यहां पर आप क्या टाइप करेंगे, यहां पर आप टाइप करेंगे आपका जो भी विलेज है, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस कहां पर है आपके नियर बाई, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आपको लिखना है यहां पर टाइप करना है पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो यहां पर टाइप करना अच्छे से। उसके बाद में देखिए नेचर ऑफ पेमेंट यहां पर आपको देखना होगा, तो यहां पर आपको सबसे पहले इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, पर आपके सामने ऑप्शन होंगे, उसके बाद में आपको यहां पर नीचे आना है और इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, किसी और ऑप्शन पे मत क्लिक कीजिएगा, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन रहेगा, ये हो गया यहाँ पर सेलेक्ट। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर राउंड यानी आपको लिखना है, टाइप करना है कितना अमाउंट है, क्योंकि 40 रुपीज़ है तो 40 रुपीज़ यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। रीमार्क्स के अंदर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इंटर योर डिटेल्स, अब आपकी खुद की डिटेल यहाँ पर टाइप करनी होगी और वो सही तरीके से इनपुट करनी है, ऑप्शन है वो अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, और यहां पर आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में स्टार मार्क लगा हुआ है तो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी, और यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे आपका जो प्रोसेस है, यहाँ पर नेम लिखा जाएगा जो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, डेट ऑफ फिलअप करना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ से फिर से अपनी टाइप करनी है जो प्रॉपर तरीके से आपकी चालू ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर दोनों चालू होने चाहिए। क्लिक करना है आई हैव रीड एंड जो एग्री, यानी आप कंडीशन से आप एग्री हैं, सारे जो रूल कंडीशन आपने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में आपको इमेज कैप्चा है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यदि स्पष्ट नहीं हो तो यहां से इस तीर वाले बटन से आप रिफ्रेश कर सकते हैं और ऑडियो भी सुन सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और उसके बाद में आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में आपका पेमेंट का प्रोसेस हो जाएगा और आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं और ऐसी कोई जानकारी आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी इसके अंदर। तो गाइज इसमें आगे का जो प्रोसेस है आपको बस पेमेंट करना है, यहाँ पर सारी जो डिटेल्स सही से इनपुट करते हैं तो आपके सामने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो कैंडिडेट्स का वो पहले कर दिया था और इसका रिकॉर्ड करना हम भूल गए, और जो लाइव प्रोसेस था वो आपके साथ मैं शेयर कर देता। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हेल्प ले सकते हैं, और लेकिन ये जानकारी है वो सही से फिलअप करना, गलती मत करना किसी भी प्रकार की। यहाँ तक जो जानकारी बताई गई है ऑफिशियल जानकारी है, आपको जो है प्रोसेस कर देना, पेमेंट कर देना। आपके सामने गेटवे होंगे पेमेंट के, तो आप जिस भी कार्ड से और या फिर आप अपने नेट बैंकिंग से या जिस भी तरीके से मेथड से करना चाहें तो सारे मेथड आपके सामने होंगे पेमेंट के। 40 रुपीज का चालान कट जाएगा और वेरीफाई होने के बाद में आप इस पेज को कभी भी बैक नहीं करेंगे, यानी आप जो प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जैसे ही आपका यहां पर पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सक्सेसफुल का आपके सामने नोटिफिकेशन होगा, पॉपअप होगा, उसके बाद में आपके सामने रिसिप्ट निकल के आएगी, तो उस रिसिप्ट को आप है सेव कर लेंगे और उसका प्रिंट निकलवा लेंगे और आप वहां पर जो है रीमेडिकल के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके 1 से 2 प्रिंट आप अपने आप निकाल लेना। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो जरूर आस कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। काफी कैंडिडेट्स परेशानी में थे और ये परेशानी आपकी दूर कर दी गई है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यदि बैंक वाले नहीं कर रहे हैं तो आप जैसे EMRO का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइए, और YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे।